तो आज मैं आपको शिवलिंगी औषधि से परिचय कराऊंगा। शिवलिंगी दोस्तों, ये देखिए, ये बरसात की सीजन में होती है और यहाँ पर ये देखिए इस वृक्ष में जो है भिंडी हुई है, यानी कि चढ़ी हुई है। और ये शिवलिंगी के आप पत्ते देखिए, इस तरह होते हैं पत्ते शिवलिंगी के। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी औषधि है, आपकी अनेकों बीमारियों को ये दूर करती है। आप इसके ये देखिए फल, कुछ इस तरह इसके फल होते हैं शिवलिंगी के। ये पकने पर लाल कलर के हो जाते हैं। अभी ये देखिए इस तरह के फल हैं इसके, ये शिवलिंगी के फल हैं। और ये इसके पत्ते हैं दोस्तों, ये इसके पत्ते हैं, आप देख लीजिए, ये इसके पत्ते हैं। ये इस तरह ये चढ़ी हुई है और ये देखिए झुमकों में इसके दो, ये देखिए, और ये ऐसे। दोस्तों ये बहुत ही अच्छी है हमारी माताओं बहनों के लिए। तो जो गर्भाशय की जितनी भी बीमारियां हैं, वो सभी प्रकार की बीमारियों को ये शिवलिंगी दूर कर देती है। अगर हमारी माताएं बहनों को गर्भधारण की क्षमता नहीं है, गर्भ नहीं धारण कर पा रही हैं, बार बार गर्भ खंडित हो जाता है, या जो इनको बांझपन की शिकायत हो गई है, उनको बच्चे ही जो है वो प्रेग्नेंट ही नहीं होती हैं, ऐसे में आप इस शिवलिंगी का प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों गर्भाशय की जो यूटेरस है, उनकी सभी प्रकार की प्रॉब्लम में, यूटेरस की जो सूजन है, यूटेरस में गांठ पड़ गई है, या आपके जो है किसी भी प्रकार के जो कमी है, बार बार गर्भ खंडित हो जाता है, और कुछ भी समस्या है अगर, तो आप क्या करेंगे, शिवलिंगी पुत्र जीवक और कटहरी, शिवलिंगी पुत्र जीवक और कटहरी, इनके अंदर जो बीज होते हैं, अभी ये पकने पर इसमें बीज हो जाएंगे, अभी तो ये कच्चे अवस्था में है, पक जाएंगे जब, तो शिवलिंगी कटहरी और पुत्र जीवक आप इनको लेकर के, और आप चूर्ण बना करके सेवन करें, तो ये बहुत ही अच्छी है हमारी माता बहनों के यूटेरस की सभी प्रॉब्लम को ये ख़त्म कर देता है। गर्भाशय में जो सूजन आ गई है और इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बांझपन की शिकायत है, बार बार गर्भ खंडित होता है और गर्भधारण नहीं कर पाती अगर हमारी माताएं बहनें, या फिर बच्चे का पालन पोषण ढंग से नहीं होता है, गर्भाशय में ही बच्चे का अच्छा कुपोषण जो है हो रहा है, तो अच्छा पोषण करने के लिए आप इसका प्रयोग जरूर करिएगा। दोस्तों ये इस तरह होते हैं, देखिए ये यहाँ पर ये सब शिवलिंगी के जो हैं, ये देखिए फल लगे हुए हैं। तो आप इस औषधि से परिचित होइए, मैंने आपको जरूर, नमस्कार दोस्तों।